गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स यूनिट थ्री एक्सरसाइज 3.3। जो हमारी जो थर्ड यूनिट है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्लेइंग विद नंबर्स है। तो हम नंबर्स के साथ खेलना सीखेंगे। हमारे पास जो नंबर्स रहते हैं वो हम बेसिकली टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हम पहले फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो फैक्टर रहेगा, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हम बनाते हैं कैसे, जैसे 8 राइट किया तो 8 आता किसके टेबल में, 2 4 8। अब ये जो 4 बचा ये किसके टेबल में आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब 8 के जो कंप्लीटली फैक्टर्स लिख रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया 2 2 4 2 4 8। ये फैक्टर्स का जो फॉर्म रहता है वो है। फैक्टर्स हम एक ऐसी मेथड से भी निकालते हैं जो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के, जैसे ये 2 का टेबल 2 4 8 2 2 4 2 1 8, तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल्स आता है दूसरा मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जैसे हमें राइट कर रहे हैं 2 के मल्टीपल्स 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। ये कितने मल्टीपल्स हुए, 5 मल्टीपल्स हैं 2 के। जस्ट टेबल्स राइट कर रहे होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे ही हम हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज में 3.1 में वो फैक्टर का नहीं है। अब हम फैक्टर बनाएंगे, जैसे हमारे पास जो एक टेबल है वो कितने टाइम कितनी फॉर्म में आता है, हमारे पास है 24। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट रहता है 24। 24 किसके टेबल में आता है, 2 मल्टीप्लाई 12, फिर 3 मल्टीप्लाई 8, और किसके टेबल में आता है, 24 किसके टेबल में, 6 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 6। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। हमारे पास जो फैक्टर्स रहते हैं वो क्या रहेंगे, अब बहुत सारे बन गए, हम लिख सकते हैं फैक्टर्स है हमारे पास 1 आ गया, 2 3 4 6 8 12, 1 मल्टीप्लाई 24 24, 2 12 24 3 8 24 4 6 24 6 4 24 8 3 24 अगेन 12 2 24। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शनल्स रह जाते हैं इसमें। इसी के साथ हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 15। अब 15 कितने टेबल में आता है वो राइट करेंगे। 15 जैसे 1 के टेबल में आ गया, 15 अब किस में आता है, 3 के टेबल में आता है, 15 किस में आ रहा है, 5 के टेबल में। तो जैसे ये टेबल्स में आ गया तो हम राइट कर लेंगे, हमारे पास बन गया अब फैक्टर 1 3 5 15, हमारे पास आ गए 1 3 5 15। तो हम रिपीट नहीं करेंगे बार बार, आज नेक्स्ट वाल रहता है हमारे पास 21। किसमें आया, 3 मल्टीप्लाई 7, और सॉरी पहले ये लिखना चाहिए था 1 मल्टीप्लाई 20। तो हमारे पास जो मल्टीपल्स आगे वो आते हैं 21 के, 1 3 7 21। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो रहता है वो है लिखा हुआ 27 आता है, 1 मल्टीप्लाई 27, एंड 27 किस में आया, 12 से 3 मल्टीप्लाई 9
और किसमें आता है 27, जरा देखो। तो फैक्टर्स रहेंगे 27 के 1, 3, 9, 27। तो होमवर्क रहेगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। फिफ्थ जो पार्ट रहेगा वो है 12, सिक्स है 20, सेवन्थ है 18, एट्थ है 23 है, नाइन्थ है 36। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इसी के साथ हम मल्टीपल्स भी राइट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। हमारे पास मल्टीपल्स रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल्स का है। तो हमें राइट करने हैं 5 मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें राइट कर रहे हैं 5 के नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, हम 5 मल्टीपल राइट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25। हमारे पास नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स आगे। वैसे ही क्वेश्चन में रहता है 8 और 9, तो दूसरा 8 है और थर्ड वाला 9। तो 8 के मल्टीपल निकाल सकते हैं 8, 16, 9 के 9, 27, 36, 45। ये मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन था, हमने मल्टीपल्स राइट कर लिए सबके। तो हम जो अब जो होमवर्क दिया वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे और बताएंगे मुझे। थैंक यू।